असलम एवरी वन आई एम डॉ शाहजा ताहिरान आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन आज की वीडियो का टॉपिक है वाई यू फील एम टीज ए फ्रेशर स्टूडेंट एंड एज अ रिपीटर स्टूडेंट और आप इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वाई यू फील एम टी कैट एज अ फ्रेशर स्टूडेंट तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओवर कॉन्फिडेंट जैसे ही आप एफ से एनडी कैंड में आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पीक पे होता है आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आप बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स भी करके क्योंकि उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि पियरिंग क्या है आपको कितने चैप्टर तैयार करने हैं तो आपके तीन एस हो जाएंगे आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से आपको करने हैं आप बहुत सलेक्टिव भी पढ़ते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं मुझे अपनी बारी में भी याद है कि मैंने सेलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर किए थे एंड तब भी मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 85 में से 85 84 83 इतने मार्क्स आ गए थे बहुत आराम से तो आपके जब इस तरह से मार्क्स आ जाते हैं तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि बस थोड़ा सा पढ़ेंगे और आराम से मार्क्स आ जाएंगे तो ये एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आपको एम डी फेल करने के लिए बहुत बड़ा रीजन है नेक्स्ट पे हमारे पास आता है ट्राई टू कवर सिलेबस लाइक एफ एस सी के अंदर हम जिस तरह से पढ़ते हैं हम हर चीज़ को कवर करते हैं हम वर्ड टू वर्ड लिखते हैं डेफिनेशन आप वर्ड टू वर्ड लिख के आते हैं आप उनके कॉन्सिक्वेंसेज आप उसके कॉजेज सब कुछ वर्ड टू वर्ड लिख के आते हैं बुक वाला तो तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं एफ में हमारे यही चलता है तो जब बोर्ड के एग्जाम्स में लेकिन जब आप एम डी में आते हैं तो वहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं वहाँ पे एम होते हैं और एक ये भी होता है कि जब हम एफ में होते हैं तो हमारे पास सिर्फ एम सी ट्वेंटी आ रहे होते हैं तो हमारी ना इतनी एम सी क्यूज पे बेस नहीं हुई बनी होती हमें एम सी क्यूज सोल्व करने इतने अच्छे नहीं आते होते हमें नहीं पता होता कि एम सी क्यूज को टैकल कैसे करना है अगर हम हमें एम सी क्यूज नहीं आ रहा तो हमने उसका गैस किस तरह से लगाना है हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता जबकि हम जब एम डी कैट में आते हैं तो वहां पे तो सारे ही एम सी क्यूज तो फिर हम वहाँ पे जो है हमारा कॉन्फिडेंस चेटर हो जाता है और हम सिलेबस को इस तरह से कवर कर रहे होते हैं कि हम वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे होते हैं एम में वर्ड टू वर्ड नहीं चलता उसके अंदर कॉन्सेप्ट से आई होते हैं तो वो एक मेन रीजन है जो आपको एफ से जब आप एम कैट में आते हैं तो आपके फेलियर का एक रीजन बनता है नेक्स्ट पे मेरे पास आता है टिकट कैजुअली जब हम एफ एस सी से आते हैं एम डी कैट के अंदर तो हम एफ एस सी में बहुत सेलेक्टिव जैसे मैंने बात की आप सेलेक्टिव पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि आप बहुत थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो हम पढ़ाई को थोड़ा सा लाइट लेना शुरू कर देते हैं हम बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि अब आराम से पढ़ेंगे अब और एम डी कैट का टाइम फ्रेम भी बहुत शॉर्ट होता है एफ एस सी में आपके पास होते हैं दो साल एम डी कैट में होते हैं आपके पास टू से थ्री

ये सब डिसाइड करेंगे वो दो महीने इस तरह के क्रूशल टाइम में आपको कभी भी कैजुअल नहीं होना नेक्स्ट पे हमारे पास आता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट थ्रू इट ठीक है जब आप एम डी कैट में आते हैं एफ एस सी से तो बिल्कुल पैटर्न चेंज हो जाता है एम सी क्यूज आ जाते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं तो आप बिल्कुल आपको समझ नहीं आती कि इसको किस तरह से टैकल करना है और उसी दौरान के अंदर एम कैट का टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है टू मंथ्स बहुत जल्दी गुजर जाते हैं और आपको जब तक समझ आती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है और फिर ये आपकी बहुत आ, मुश्किल हो जाता है उसको टैकल करना दोबारा से उससे आप एंगजाइटी और स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होता है और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस होनी होती है एम डी कैड वो भी नहीं हो पाती और आप बहुत लो स्कोर करते हैं एज अ फ्रेशर स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लास्ट में जो मेन रीजन है आपके फेलियर का वो है नॉट इनफ टाइम नफ इनफ टाइम भी नहीं होता और इनफ प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती आप जब दो साल में वो बुक्स कर रहे हैं और वही बुक्स को आपको रिवाइज भी करना है कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है प्रैक्टिस भी करनी है वही टू मंथ्स के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए टैकल करना उसको तो आपके पास इनफ टाइम नहीं होता प्रैक्टिस का और आप बहुत कम प्रैक्टिस करके गए होते हैं तो ये आपके लिए मेन रीज़न है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए क्योंकि हमारे एफ के एग्ज़ाम्स में सिर्फ ट्वेंटी एम आते हैं और टोटली एम डी कैट एम बेस्ड है तो फिर आपकी इनफ प्रैक्टिस नहीं हुई होती है एम सी को किस तरह से टैकल करना है किस तरह से आपको गेस्ट लगाना है अगर आपको बिल्कुल भी एम नहीं आता तो आपको नहीं पता चलता है मैं ये किस तरह से आपको गेस्ट लगाना है और लॉजिकल गेस्ट किस तरह से लगाना है एमसीक्यूज का इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट में जरूर तो अभी के लिए इतना ही कि आप फेल क्यों होते हैं एज अ फ्रेशर स्टूडेंट ये बहुत सारे कॉजेज हैं अब इसको रेक्टिफाई किस तरह करना है अब उस पर बात करते हैं बात करते हैं हाउ टू कवर अप थिंग्स एज अ फ्रेशर एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आपको थिंग्स को कवर अप कैसे करना है एज अ रिपीटर कैसे कवर अप करना है वो हम नेक्स्ट में बात करते हैं एज अ फ्रेशर आपको किस तरह से कवर अप करना है ट्राई टू गेट द रियलिटी ऑफ एम डी कैट वॉल इन एफ आपको अपने एफ में ही जो प्रेप का सेशन होता है उसमें या अपने किसी सीनियर से अपने किसी टीचर से आप मेरे से गाइडलाइन ले सकते हैं मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ तो आपको एम कैट की पहले से रियलिटी को समझना है आप एफ में अपना माइंड

मेजोरिटी अगर आप एक लाख में से लगाते हैं तो तीस चालीस हजार लोग जो होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी तैयारी के लिए ऊपर वाले बच्चों को तो आप निकाल देना वो इर्द गिर्द के बच्चे जो होते हैं सारे अप्लाई कर देते हैं बस नंबर बढ़ाने के लिए जो बहुत सीरियस होते हैं वो चालीस हज़ार तक तो मिनिमम होते ही हैं ठीक है थीके? वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट करके आते हो, आए होते हैं मैक्सिमम तैयारी करके आए होते हैं और उनमें से सिर्फ तीन हज़ार ने निकलना होता है वो सिर्फ उस टाइम फ्रेम को बताता है जो उस तीन घंटे में जैसा परफॉर्म कर जाता है वो वो सीट ले जाता है और दूसरे रह जाते हैं जबकि अपनी मैक्सिमम एफर्ट हर कोई करके आया होता है उस पेपर में ठीक है तो आपको अपनी रियलिटी जो है एम डी की उसको पहले से अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है इन योर एफएससी उसके बाद आता है ट्राई टू कवर अप ऑल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन एफ एस अब आपको क्या करना है अगर तो आप फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं आपको क्या करना है आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है अभी पी का पुराना सिलेबस ही है लेकिन पी जल्द ही एक नया सिलेबस भी ज़रूर देगी ये बात अभी सुनने में आ रही हैं कि आपका इस साल कोई सिलेबस नहीं होगा पूरी बुक्स होंगी लेकिन मुझे लगता है कि सिलेबस ज़रूर पी देगी जब तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं होती तो हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते ये सिर्फ एक र्यूमर चल रही है अभी तक उसके बाद आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है ठीक है आपने क्या करना है अगर तो आप फर्स्ट ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर हैं, उनको मार्क कर लेना है जो टॉपिक उन्होंने एम डी कैड में दिए हैं। और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो इसी तरह आपको अपने सिलेबस से देखकर कर सेकेंड ईयर के टॉपिक्स को अपनी बुक्स पे मार्क कर लेना है अब मार्क करने के बाद आपको क्या करना है आपको अपने कॉन्सेप्ट को एफ में ही क्लियर कर लेना है जो मुश्किल कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपके टॉर्क वाले जो फिजिक्स के कॉन्प्ट हैं वो काफ़ी थोड़े मुश्किल है उसके एम्सिकल्स थोड़े मुश्किल आते होते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपने अपने एफ में क्लियर कर लेना है ताकि आपका बाद में एम डी के एड दो महीने में प्रैक्टिस के लिए टाइम मैक्सिमम बच जाए आपको वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े देन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मेजर पोर्शन लेती है और उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आपको एफएससी टाइम में ही उनको क्लियर कर लेना है इस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री मोस्टली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो आपको अपने पहले ही मार्क कर लेनी है साथ साथ आपको एम डी कैट के मुताबिक उनके कॉन्सेप्ट को टीचर से पूछ पूछ के क्लियर करना है अपने एफएससी में ही ये सिर्फ आपके एफएससी में हेल्पफुल नहीं होगा बल्कि बाद में आपके एम डी कैट में बहुत हेल्पफुल होने वाला है नेक्स्ट पे आता है डू मैक्सिमम हार्ड वर्क अब आपके पास सिर्फ दो महीने या तीन महीने हैं जिन्होंने डिसाइड करना है कि अगले पाँच साल आपने कैसे गुजारने हैं बल्कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है आप डॉक्टर बनेंगे या आप कुछ और करेंगे ठीक है वो दो महीनों ने या तीन महीनों ने डिसाइड करना है तो आपको अपनी मैक्सिमम एफर्ट डालनी है आपको मैक्सिमम अपना हार्ड वर्क डालना है उसके अंदर ठीक है आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाना है आपने बताना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो आपने अपनी मैक्सिमम हार्डवर्क और मैक्सिमम एफर्ट इन दो महीनों में डालना है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आपको नहीं पता होता किस चीज़ पे फोकस करना है और किस चीज़ पे फोकस नहीं करना आप अपने टेक्स्ट बुक्स को भूल जाते हैं और आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने के पीछे भाग जाते हैं ठीक है आपके वो कॉन्सेप्ट जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है आपको सिर्फ वो लेने हैं उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप फ़िज़िक्स के अंदर इंडल्ज होते जाएंगे तो फिज़िक्स बहुत हाई लेवल तक भी जाएगी एम एस के लेवल तक भी जाएगी उसके कॉन्सेप्ट बदलते जाएंगे उसमें एक्सेप्शन आती जाएंगी बहुत कुछ आएगा इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस तरह

नेक्स्ट पर बात करते हैं एज अ रिपीटर आपके कौन से कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं जो आपको फेलियर की तरफ ले जाते हैं अंडर कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात है जै जैसे ही आप फेल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है जो एज आ फ्रेशर पीक पे होता है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाता है हंड्रेड से जीरो पे आता है और आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं आपको कुछ आता भी होता है और आप उसको मार्क करने में डर होता है कि पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं होगा इसी वजह से इसी डर की वजह से आपका जाते है पेपर में पैनिक आपको एंगजाइटी होती है आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है आप पैनिक हो जाते हैं आप ये सोचते हैं कि एमडिकेट नहीं होगा तो क्या होगा क्या करेंगे ठीक है इस तरह की जो बातें होती हैं उससे आपका पैनिक एंगजाइटी स्ट्रेस आपकी मेंटल हेल्थ सब कुछ डिटोरिएट हो जाता है और आप एज अ रिपीटर ये बहुत मेजर मसला है जो उन तीन जो तीन और होते हैं आपके वहाँ के जो बहुत क्रूशल होते हैं आपकी लाइफ के उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और इसकी वजह से आपका मेरिट नहीं बन पाता नेक्स्ट पे मेरे पास आता है नेगेटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आप क्या करते हैं एज आ रिपीटर आप रोज़ ये सोचते हैं कि अगर एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा फेल होगा तो किस तरह से फेस करूंगा सबको आपको बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं और ये एक मेजर रोल है जो आपका फोकस नहीं बनने देता स्टडीज पर आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं आप फोकस नहीं कर पाते आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ नहीं सकते ठीक है ये बहुत मेजर रीजन है जो आपको फेलियर की तरफ ले जाता है आप पढ़ते हैं लेकिन आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा आपका फोकस ही नहीं है आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है नेक्स्ट तो मेरे पास आता है ट्राई टू कवर एवरी बुक एंड एवरी नोट्स एंड ट्राई टू डू एवरी थिंग एक्सेप्ट योर मेन टेक्स्ट बुक बहुत मेजर मसला है बहुत मेजर मसला है एज अ रिपीटर स्टूडेंट आप कहते हैं कि मैं उस एकेडमी के नोट्स भी ले लूं, उसकी किप्स की प्रैक्टिस बुक भी ले लूं, स्टार्स की भी ले लूं, ग्रिप्स की भी ले लूं, मैं स्टेप की भी ले लूं, मैं हर किसी की प्रैक्टिस बुक ले लूं, हर किसी के प्रैक्टिस टेस्ट ले लूँ मैं सबको जो है किसी स्पेसिफिक टीचर के टेस्ट जो हैं वो ले लूँ मैं किसी अकेडमी के नोट्स ले लूँ आप बहुत कुछ इकट्ठा करने लग जाते हैं आप उसके पीछे लग जाते हैं ठीक है आप कहते हैं मैं उसके हैंड नोट्स भी ले लूँ मैं उसके हैंड नोट्स भी ले लूँ मैं हर किसी के नोट सारी बुक्स इकट्ठी कर लूं और आप अपनी इस सारे जो वो होती है उसके अंदर अपनी मेन जो टेक्स्ट बुक होती है जो आपकी की टू सक्सेस है टेक्स्ट बुक इज द की टू सक्सेस मैं बार-बार कह रही हूं टेक्स्ट बुक इज द मेन बुक आप उसको भूल जाते हैं आप इर्द-गिर्द के नोट्स इर्द-गिर्द के कांसेप्ट्स इर्द-गिर्द के टेस्ट इर्द-गिर्द के हर चीज़ को करना शुरू कर देते हैं लेकिन जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये एक मेजर रीज़न है एज अ एज अ अपीटेड स्टूडेंट जो आपको फेलियर की तरफ ले जाता है क्योंकि मैं तो ये कंसीडर करती हूँ कि अगर आपने रिपीट किया है तो हर साल फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट जो है वो रिपीटेड एम बी बी एस की सीट्स लेकर जाते हैं तो आपका तो एडमिशन कन्फर्म है अगर आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं और अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना लेते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म है उसके बाद हमारे पास आता है यू मे लॉस योर पेस ऑफ स्टडीज अब इसमें क्या आता है इसमें यह आता है कि एज अ रिपीटर ठीक है जब आप एफ एस सी में होते हैं पहले फ्रेशर स्टूडेंट तो आप एफ एस सी में पढ़ रहे होते हैं आप पहले उस कॉलेज जाते हैं अकेडमी जाते हैं देन उसी में आपका एम डी कैट आ जाता है तो आपका एक स्टडीज का पेस बना होता है आपका एक फ्लो बना होता है कि आपको किस तरह से पढ़ना है किस टाइम में पढ़ना है और आपका एक फोकस बहुत अच्छा होता है लेकिन जैसे ही आप रिपीट करते हैं आपके दो तीन महीने ज़ाया हो जाते हैं और उसके बाद जब आप पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करते हैं तो आपका वो फ्लो नहीं बन पाता और वो फ्लो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है तो कई बच्चे जो है उसको ओवर कर जाते हैं और उस पे फोकस कर जाते हैं और uh, कर अगेन वो फ्लो को अटेन लेते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं अटेन कर पाते और ये उनका मेजर रीजन है एज ए रिपीटर के वो फेल हो सकते हैं नेक्स्ट पे मैं बात करूंगी हाउ टू कवर अप थिंग्स और हाउ टू कवर अप योर फेलियर एज अ रिपीटर स्टूडेंट अब बी आ, सेल्फ मोटिवेटेड आपका कॉन्फिडेंस बहुत जीरो है आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा कोई आपके लिए मोटिवेशन नहीं बन रहा आपने अपने लिए खुद मोटिवेशन बनना है आपने रोज खुद से कहना है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है आपने अपने फ्रंट पेज पे या किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पे जिसको आप रोज देखते हो आपने वहां पर अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो लिख लेने हैं टू में से आपको कितने लेने हैं वन नाइन्टी जितने भी आपने उसको वहां लिख लेना है और आपने रोज उसको देखना है और आपने सोचा है कि ये मुझे लेने हैं मैं ये लेके दिखाऊंगी और ये आपके लिए एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन है आपको अपने लिए मोटिवेटर बनना है आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है आपने सबको बताना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं एंड यस यू कैन डू एनी यू वॉन्ट नेक्स्ट पे मेरे पास आता है मैनेज योर टाइम वाइसली आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है आपको ये नहीं करना कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं दो दिन नहीं पढ़ रहे फिर एक दिन पढ़ रहे हैं फिर दो दिन नहीं पढ़ रहे एंड दैट इज सो रॉन्ग आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है ये वो टाइम है जो कभी भी वापस नहीं आएगा ये वो टाइम है जो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या होगा ये वो टाइम है जो प्रूव करेगा कि आप इंटेलिजेंट हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिसका एडमिशन होता है वो सिर्फ उसको ही इंटेलिजेंट समझते हैं और किसी को नहीं इंटेलिजेंट समझते तो आपके पास एक चांस है आपके एक मौका है आपके पास दोबारा वो मौका आया है तो आपने खुद को प्रूव करके दिखाना है आपने अपने टाइम को बहुत वाइसली इस्तेमाल करना है आपने रोज एक टाइम टेबल बनाना है टाइम टेबल की भी वीडियो बनाई है आप उसको जाकर देख सकते हैं आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है और आपने रोज उसको फॉलो करने की मैक्सिमम ट्राई करनी है नेक्स्ट पे मेरे पास आता है ट्राई टू डू योर वीक पॉइंट्स फर्स्ट ट्राई टू कवर योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट आपने सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस आपने सबसे पहले खुद को एनालाइज कर लेना है आपने पुराना पेपर उठाना है या अगर आपके पास पुराना पेपर अब नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हैं कमेंट में लेकिन अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आपने क्या करना है आपने ना दो तीन एफ एल पी उठाने हैं अभी के किसी भी अकेडमी के आप एफ एल पी उठा लें जिसकी की भी हो आपके पास आपने उनको दो तीन को सॉल्व करना है दो तीन दिन में आपने सॉल्व करके बगैर पढ़े अभी आप जिस हालत में है ना बस आपने वैसे ही उन एफल को सॉल्व करना है उसके बाद आपने की की देखनी है और आपने की से अपने सेल्फ एनालिसिस कर लेना है कि आपके कौन से एम सी क्यूज रों कोए हैं किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रोंक हुए हैं और किस टॉपिक में सबसे ज्यादा रोंक है आपने वो तीन एफ एल पी में से ना अपने जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो निकाल लेना है डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो निकाल लेने हैं अब आपने क्या करना है सबसे पहले अपने जो डिफिकल्ट या वीक पॉइंट्स हैं आपने उनको सबसे पहले करना है आपने अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है आपने उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है तभी सक्सेस आपके हाथ आएगी वरना आप फिर से वैसे ही

ये एक बहुत बुरी आदत है इवन मेरे में भी है हम क्या करते हैं जो चीज़ हमें आसान लगती है और जो सब्जेक्ट हमें आसान लगता है हम उसे रोज़ पढ़ते हैं और हम उसके तीन चार चैप्टर एक दिन में कर लेते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि आज तो मैंने चार चैप्टर किए जबकि जब हम डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट खोलते हैं तो हम दिन में सिर्फ एक चैप्टर कर पाते हैं और हम फिर टेंथ से एंगजाइटी और हमारे पास स्ट्रेस आता है तो आपने अपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को पहले करना है ताकि आपको एंड में वो एंग्जाइटी ना आए एंड में आप आसान चैप्टर को करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो और आप आपके वीक पॉइंट्स हैं वो पहले से स्ट्रांग हो गए हो क्योंकि लास्ट में जब आप वीक पॉइंट्स को करते हैं तो आपके पास टाइम भी कम होता है और एक एंगजाइटी भी ज्यादा हो गई होती है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अपने वीक सब्जेक्ट को या अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को दोबारा से या अच्छे से करने के लिए नेक्स्ट में मेरे पास आता है मैक्सिमम प्रैक्टिस आपके पास बहुत एम्पल टाइम है बहुत एम्पल टाइम है आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और ऐसा नहीं करना कि आपने हर एकेडमी के टेस्ट हर एकेडमी की के प्रैक्टिस बुक उठा लेनी है और आपने करनी शुरू कर देनी है दैट इज टू रूम आपने क्या करना है आप स्टेप की बुक और उसके टेस्ट और किप्स की बुक और उसके टेस्ट आप पिछले सालों वाले टेस्ट भी ले सकते हैं या आप इस साल के जो न्यू उनके रिपीटेड सेशन के होंगे या फ्रेशर सेशन के होंगे बाद में आप वो दोनों लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या अभी के लिए आप पिछले साल वाले टेस्ट भी लेकर किसी से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये दो मेन प्रैक्टिस है जो आपने जरूर करनी है एज आ रिपीटर भी और एज आ फ्रेशर भी ठीक है नेक्स्ट में मेरे पास आता है आपने अपनी सारी मेहनत कर ली है आपने सब कुछ कर लिया अब आपने अल्लाह पर यकीन रखना है आपने नमाज पढ़नी है अपने लिए रोज़ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बना दे कि मैं आपकी उम्मीदों पर मैं अपने घर वालों की उम्मीदों पर पूरा कर सकूँ मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ मैं अपनी पेरेंट्स की ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ बस आपने अल्लाह तला से दुआ मांगनी है और लास्ट में मैं आपको कहूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू सो मच